Okay, students, so today we are going to talk about the reproductive health. जैसे हमारे बाकी organs की health होती है बहुत ही ज्यादा important, in the same way the reproductive health is equally important to us. What is reproductive health? The healthy functioning of reproductive organs comprises of reproductive health. अगर reproductive health किसी की proper नहीं होगी तो उसको reproductive organs से related diseases हो जाएंगी, उसकी fertility पे effect पड़ेगा, उसकी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में या इंटरनल सेक्स ऑर्गन में प्रॉब्लम आ सकती है. एज यू नो दैट हमारे जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं, दे आर रिलेटेड टू द हार्मोन्स. अगर सेक्स ऑर्गन्स प्रॉपर नहीं होंगे तो हार्मोन्स में डिसीजेज आ जाएंगी, सॉरी हार्मोन में इम्बेलेंस आ जाएगा, हार्मोन्स में इम्बेलेंस आ जाएगा तो किसी भी इंसान की जो प्रॉपर ग्रोथ है वो इफेक्ट हो सकती है. In the reproductive health, we are going to talk about sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases या STDs वो वाली diseases होती हैं जो एक इंसान को है, they are spread by sexual contact. एक इंसान को एक STD है, उसने किसी और के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट किया तो उसको वो डिसीज हो गई. ठीक है, दिस इज द थिंग दैट एसटीडीज आर, व्हाट एसटीडीज आर. अब देखो एसटीडीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो कैसे जाती हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी बाकी डिसीजेस की तरह ही है. अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, अगर हम अपना प्रॉपर ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम अपना प्रॉपर हाइजीन नहीं लेंगे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है. बाकी सेक्स बाकी ऑर्गन्स की तरह सेक्स ऑर्गन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है. अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो बंदा डिसीज ही माना जाएगा, उसको उतना ही डिस्कम्फर्ट फेस करने को मिलेगा. तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर गोनोरिया. गोनोरिया क्या होती है? गोनोरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. दिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज. इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में प्रॉब्लम आती है. द नेक्स्ट काइंड ऑफ डिसीज इज सिफिलिस. सिफिलिस भी क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है. इट स्प्रेड्स थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट. जब ये डिसीज किसी को होती है, इट कॉजेज द बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन. अगर वो पर्सन यूरिनेट करेगा, यूरिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो सिफिलिस वाले बंदे को या वुमेन, मैन और वुमेन बोथ, उनको क्या है, यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होगी. यूरेथ्रल डिस्चार्ज में पस आएगा. पस क्या होता है, फ्लूइड और साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स. एंड इट पस का आना एक सिम्टम होता है. इट इंडिकेट्स कि बेसिकली जो भी है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, दे आर नॉट हेल्दी, जिसकी वजह से पस आ रही है हमें. सोर्स इन जेनिटल्स. जेनिटल सोर्स हो जाते हैं. जेनिटल ऑर्गन में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, मतलब पेनिस या वजाइना के अराउंड सोर, वुंड लाइक, अल्सर्स लाइक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. दीज डिसीजेज आर क्यूरेबल. दीज डिसीजेज आर वेरी पेनफुल डिसीजेज अगर एक बार हो जाए, बट दीज आर क्यूरेबल अगर हम प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखेंगे, अगर हम सेक्सुअल कॉन्टेक्ट का ख्याल रखेंगे, और अगर कोई भी बंदा कुछ भी प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है, प्रॉपर मेडिसिन ले रहा है, प्रॉपर अपनी सफाई का ख्याल रख रहा है, ड्राइनेस का, पीएच का एंड अदर थिंग्स का ख्याल रख रहा है, तो ये डिसीजेज क्यूरेबल है. बट द अदर थिंग इज एड्स. एड्स इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एड्स की जो
फुल फॉर्म है वही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए. यू हैव टू रिमेम्बर दिस फुल फॉर्म. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता क्या है? HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय द HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. एड्स इज कॉज्ड बाय द इंफेक्शन ऑफ HIV. गोनोरिया एंड सिफिलिस क्या थे? दे वर द बैक्टीरियल डिजीजेस, बट एड्स इज अ वायरल डिजीजेस. नाउ एड्स एंड वायरस दोनों के फुल फॉर्म ही क्या बता रही है? दोनों की फुल फॉर्म में बता रही है कि ये एक इम्यूनिटी से रिलेटेड क्या है? डिसऑर्डर है. इम्यूनिटी से रिलेटेड सिंड्रोम है. तो ये जो वायरस है HIV वायरस या एड्स इफेक्टेड पर्सन जो होता है उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है. व्हाई? बिकॉज दिस वायरस अटैक्स द इम्यून सिस्टम इटसेल्फ. ये वायरस इम्यून सिस्टम में जाता है और वहां पे अटैक करता है. HIV penetrates the T lymphocytes. T lymphocytes are the cells that help us in reducing the infection of the foreign body. But ये AIDS का जो वायरस होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम पे ही एक्ट करता है, उसको इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है. अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा? हमें नुकसान होगा. एंड कोई भी बीमारी है फिर उसके बाद, अगर एड्स है, एड्स के बाद अगर कोई भी बीमारी, किसी को कॉमन कोल्ड की भी बीमारी लग रही है या नॉर्मल वायरल फ्लू भी हो रहा है किसी को, तो उससे उसकी डेथ हो सकती है क्योंकि उसका पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है. रिडक्शन इन नंबर ऑफ टी सेल्स रिड्यूसेस इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन. अब ये टी लिम्फोसाइट्स पे एक्ट करते हैं. हमारे पास टी सेल्स एंड बी सेल्स दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. टी सेल्स में टी सेल्स का नंबर रिड्यूस होने से इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. अब HIV वायरस है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स ही जरूरी नहीं है, कंटेमिनेटेड जो नीडल्स है, सपोज करो एड्स वाले किसी पर्सन ने किसी को ब्लड डोनेट किया, तो वो इन्फेक्टेड नीडल जो एड्स वाले पर्सन को यूज की थी वो किसी हेल्दी पर्सन ने यूज कर ली, उससे क्या हो सकता है? हेल्दी पर्सन को भी एड्स हो सकता है. जरूरी नहीं है एड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैला है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी ने ब्लड डोनेट किया, एड्स वाले पर्सन का ब्लड किसी और को चढ़ा दिया जाए, तो उससे भी जो है हेल्दी पर्सन को एड्स हो सकती है. टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस सेवेरिटी About the severity of AIDS and protection from HIV, the 1st of December is known as World AIDS Day. World AIDS Day में क्या होता है? World AIDS Day में awareness provide की जाती है लोगों को. लोगों को बताया जाता है कि what is AIDS, how we can protect ourselves from this disease. Okay. और हमारा लास्ट पे ये टॉपिक है कि प्रेगनेंसी हो जाती है, हमें पता है प्रेगनेंसी कैसे हो जाती है, जब ओवम एंड स्पर्म फर्टिलाइज कर जाते हैं. एक कंडीशन है इसकी, हमने ये पढ़ी थी कि ओवम भी प्रेजेंट होनी चाहिए वही साइड पे और स्पर्म भी प्रेजेंट होना चाहिए वही साइड पे, तभी प्रेगनेंसी पॉसिबल है. बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं. These methods are first of all hormonal methods. जो hormones pregnancy को maintain करने के लिए चाहिए, अगर वो hormones ही हमारी body में नहीं होंगे तो pregnancy maintain ही नहीं हो पाएगी and abortion हो जाएगा. Various hormonal preparations come in the form of tablets or pills, commonly called contraceptive pills. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर द पिल्स जिसकी वजह से हॉर्मोन्स है जो हमारी बॉडी में जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, उनका अमाउंट क्या कर देते हैं? हम इम्बैलेंस कर देते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ही मेंटेन नहीं हो पाती. नेक्स्ट मेथड इज द बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में क्या आते हैं? कॉन्डम्स, डायफ्राम्स एंड स्पर्मिसाइडल्स. वी नो दैट फॉर
प्रेगनेंसी फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म्स का ओवम तक पहुंचना जरूरी है। अगर हम स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही जाने से रोक दें, एक बैरियर प्रोवाइड कर दें, बैरियर मतलब एक पाथवे ऐसा जो जिससे स्पर्म्स हैं जो ब्लॉक हो जाएंगे, वो वजाइना तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। दिस इज अ बैरियर मेथड। दे आर कॉन्डम्स, डायफ्राम एंड स्पर्मिसाइडल्स। कॉन्डम्स आर यूज बाय मेल्स व्हाइल डायफ्राम्स एंड स्पर्मिसाइडल्स आर यूज बाय फीमेल्स। ये तीनों चीजें क्या करती हैं, एक बैरियर प्रोवाइड कर देती हैं, स्पर्म्स को वजाइना तक एंटर ही नहीं करने देती, एक रास्ता उनका ब्लॉक कर देती है, उनको पहुंचने ही नहीं देती। इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, IUDs। इंट्रायूटराइन डिवाइसेस क्या होता है? अब इंट्रा का मतलब होता है अंदर, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यूटेराइन का मतलब होता है यूटेरस। यूटेरस के अंदर जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रायूटराइन डिवाइसेस। द डिवाइसेस विच आर इंसर्टेड इनसाइड द यूटेरस, ठीक है। इसको हम लिपिज लूप है, इसकी एग्जांपल कॉपर टी है। ये कैसे प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को? इफ द स्पर्म एंटर्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का मतलब अगर वजाइना के अंदर जो स्पर्म्स है वो एंटर कर गए, तो ये डिवाइसेस क्या करेंगे? इट किल्स द स्पर्म्स एंड डू नॉट लेट द स्पर्म्स टू रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक नहीं पहुंचने देते। This is what the IUDs can do. Other method is the surgical method. Surgical method क्या होता है basically? Surgical method की help से females में जो fallopian tubes हैं उनको उनको cut करके उनको ligate कर दिया जाता है। मतलब कि देखो ovary है, ovary से जो हमारी ova है वो fallopian tube से पहुंचेगी। हमें पता है fallopian tubes ही क्या होती है, site of fertilization होती है। अगर हम फेलोपियन ट्यूब्स को काट के लाइगेट कर दे, ओवरी से ही डिफरेंट कर दे, तो ओवरी में जो ओवरी में से जो ओवम निकलेगा वो पहुंच ही नहीं पाएगा टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में आपको याद रखना है ट्यूब से फेलोपियन ट्यूब्स फीमेल्स में होता है ये, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी मीन्स फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके लाइगेट करना, ये जो प्रोसेस है ये होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। बट देखो एक बार जब सर्जरी हो गई, एक बार अगर फेलोपियन ट्यूब्स को हमने काट दिया तो उसको दोबारा से फेलोपियन ट्यूब्स को सही करके यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दिस मेथड इज इरिवर्सिबल। तो ये मेथड वही कपल अपना सकते हैं जिन्होंने अपने बेबीज को, बच्चों को पैदा कर लिया। जब उन्होंने अपने बच्चों को पैदा कर लिया तो उसके बाद दे कैन ऑप्ट द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड से एक परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाएगा कि उनके जो है बच्चे हैं वो उनको जो प्रेगनेंसी होने का दोबारा से डर नहीं रहेगा। यही चीज है जो ट्यूबेक्टॉमी मेल्स में, इसको वैसेक्टॉमी बोलते हैं। वैसेक्टॉमी मतलब वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या करते हैं? स्पर्म्स जो होते हैं वो वासा डिफरेंशिया के थ्रू पेनिस के अंदर पहुंचते हैं। अगर वासा डिफरेंशिया को ही काट दो तो स्पर्म्स हैं जो प्रोड्यूस होंगे लेकिन वो पेनिस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भी क्या है? ये एक सर्जिकल मेथड है जिसको नसबंदी बोला जाता है। बेसिकली ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का परमानेंट सॉल्यूशन है। इससे जो प्रेगनेंसी है वो परमानेंटली प्रिवेंट होती है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अबॉर्शन का बायोलॉजिकल टर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कोई भी बेबी अगर हो गया है पैदा, जायगॉट से एम्ब्रियो बन गया है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो हम प्रेगनेंसी को खत्म कर सकते हैं। बट विल, इसमें मदर की विल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मदर ही एक ऐसा इंसान है जिसका सबसे ज्यादा हक होता है अपने बच्चे पर। अगर मदर चाहती है कि उसका बच्चा ना पैदा हो तो सिर्फ मदर ही
इसको अबॉर्ट करवा सकती है। अबॉर्शन में और भी बहुत ज्यादा लीगल थिंग्स होती हैं, बहुत ही ज्यादा कंडीशंस होती हैं जो हर एक पर्सन को फॉलो करनी पड़ती हैं। थस इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज ऑल्सो अ मेथड, दीज आर द मेथड जिससे हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो हम अबॉर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अबॉर्शन एक लीगल प्रोसेस है, इसमें बहुत ही ज्यादा हमें रीजंस देने पड़ते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी बच्चा पैदा कर सकता है वो अबॉर्शन करवा ले, ऐसा नहीं होता। अबॉर्शन के लिए बहुत ज्यादा लीगल कंडीशंस होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, खत्म हो जाता है। थैंक यू।